हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड सेवेंथ का मैथमेटिक्स, जो है इंटीजर्स का। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.1 एज वेल एज 1.2। मैंने उसके इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आप लोग सभी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 ओपन कर लो, वहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ लिखा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन। तो पहला वाला देखो, ये मेन फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ याद रखना है, ये पॉजिटिव प्लस, ये देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस सॉरी पॉजिटिव 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 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है नेगेटिव। या दैट्स ऑल, ये याद रखना है, क्योंकि जो भी है आप लोगों को इससे थोड़ा सा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे इससे, ओके। बाकी सॉल्विंग से तो ठीक है। देखो प्रोडक्ट्स बोला है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। SUM सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या तो टाइम्स भी होता है TIMES, फोर टाइम्स द नंबर वगैरह, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट और टाइम्स दोनों में आप समझ जाना मल्टीप्लिकेशन। तो अब प्रोडक्ट की बात चल रही है, जो ये वर्ड प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, एज आई सेड। तो पहला वाला देख लीजिए। देखो मैं बहुत ही सिलेक्टिव सम्स करूँगा, जिसमें आप ए वाला देखिए। मैं अब ए वाला करता हूँ, मैं वन नहीं लिखूँ, ए लिखूँगा। ए में क्या लिखा है? 3 × -1। अरे स्लिप होता ना, 3 × -1, 3 × 1 = 3, और ये माइनस साइन, बड़ा ही सिंपल है। तो इतना याद रखना है। देखो यहाँ पर सिर्फ अकेला नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन डालना है। अब यहाँ देखो बी वाला तो आप लोग खुद से कर सकते हो, सी वाला देखते हैं, ओके। बी वाला आप ट्राई करो, टिक मार्क करके रखो, आप लोग कर भी सकते हो, बहुत ईजी है। सी वाला देखिए, -21, ओके, मल्टीप्लाई बाय -30। अभी देखो ये माइनस एंड माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस। आप लिखो या ना लिखो प्लस साइन का, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी देखो 30 × 21, 1 × 0 = 0, 1 × 3 = 3, 2 × 0 = 0, 3 × 2 = 6, कितना हो रहा है? 630। देखो वापस रीचेक करता हूँ, 1 × 0 = 0, 1 × 3 = 3, 2 × 0 = 0, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया पॉजिटिव 630, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने किया ए और सी, फिर हम करेंगे डी वाला, भी सिंपल है, सेम फॉर्मेट में ई वाला करेंगे, ठीक है। ई वाला या वेट अ सेकंड, या ई वाले में क्या लिखा है? -15 × 0 × -18, ठीक है, इतना कुछ। अभी देखो माइनस है, माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस। 8 × 5 = 5 = 6 = 7 × 8 = 9 = 270। अब ये ई वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एफ। तो F वाला क्योंकि थोड़ा सा अलग लगा मुझे, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। देखो -12, -11 और 10, -12, -11 और +10। तो ये देखो इसमें आप पहले मल्टीप्लाई करो, सारे नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 12, 11 का कितना होता है स्टूडेंट्स? 132 होता है। इन दोनों को पकड़ के देखो, मैं बताता हूँ, इन दोनों को पकड़ के 132 होता है। 132 × 10 कितना होगा? 1320 माइनस है माइनस प्लस। आपको डालना है प्लस तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो भी चलेगा, पॉजिटिव में ऐसा प्लस साइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस साइन रहेगा तो आप लोगों को डालना पड़ेगा। अभी देखिए एफ वाला पार्ट हो गया, अभी एच वाला, या एच में क्या होता है? माइनस, ओके, ये भी तीन नंबर्स के हैं तो मैं करूँगा ज़रूर, -18 × -5 × -4, ठीक है, मैं क्रॉस चेक करता हूँ,
ठीक है ओके। तो अभी इजी है, 5 × 20, 20 × 18 कितना होता है, ये देखो मल्टीप्लाइड 5 × 20, 20 × 8 360। माइनस है माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस। देखो मैं वापस समझाता हूँ, मैंने नॉर्मली मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, ओके मैंने नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, माइनस है माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, माइनस एंड माइनस क्या होते हैं, दोनों को पकड़ के प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। तो ये था एच वाला। फिर उसके बाद देखिए आई भी इजी है, आई आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जी भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जी वाला पार्ट। अभी देखो आई खुद से एज आई सेड जे वाला करेंगे लास्ट, वो मतलब एक सम रहता है उसका सेकंड सम सिमिलर ही रहता है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि जो यूनिक टाइप के सम्स होंगे वो आपको बता देता हूँ। वैसे तो इजी है, ऑल एवरीथिंग इज इजी। -3 × -6, -2 × -1, ठीक है। अभी इसमें कितने सारे, देखो मैं पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करूँगा एज अ नंबर, नॉर्मल नंबर, मैं कुछ साइंस वगैरह अभी देखूँगा नहीं। 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, 36 × 1 = 36, माइनस है माइनस प्लस, प्लस है माइनस माइनस, माइनस है माइनस प्लस, देखो माइनस है माइनस प्लस, प्लस है माइनस माइनस, माइनस है माइनस प्लस, ओके। तो ये था, आप पॉज करके देख सकते हो, वैसे तो बहुत ईजी है, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना स्टूडेंट्स तो सब कुछ सेट है। अब ये मल्टीप्लिकेशन की बात है, प्लस और प्लस माइनस एक पार्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग होता है, तो दो ग्रुप्स होते हैं, ये बात याद रखना। प्लस एंड माइनस आर फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। तो इक्वेशंस वगैरह में भी था, इसके लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसे देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैंने यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 दोनों लिखा, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या मेंशन किया, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब होता है, पहला वाला देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है बीच में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड, ओके लेफ्ट वाला और राइट वाला, LHS बोलते हैं, RHS बोलते हैं। अभी ये देखो 18 × 7 − 3 = 18 × 7 + 18 × −3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी देखो इसमें 18 × ये देखो 7 प्लस है माइनस 5 4 5 6 7, इसको मैंने सॉल्व किया, प्लस एंड माइनस माइनस, 7 − 3 = 4, ये हुआ 18 × 4 = ये मैं करूँगा इसको, ये वाला भी करेंगे राइट हैंड साइड, ये इक्वल्स टू के उस पार वाला, ये इक्वल्स टू के इस पार वाला, तो ये देखो 18 × 7 है ना, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 8, 9, 10, 11, 12, 126 प्लस, अभी देखो यहाँ ब्रैकेट में माइनस आएगा, देखो यहाँ पर 18 × 3 = 54, ठीक है। सो अभी देखो 18 × 4 = बाकी था, रुको मैं करता हूँ उसको, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 567, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 567, ओके। अब मैं इसे रब आउट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला था, अब राइट हैंड साइड वाला देखते। अभी इधर क्या था स्टूडेंट, मैंने एक मिस आउट किया, 18 × 3 = 54, और माइनस साइन है तो 126, अभी देखो ये माइनस करेंगे तो 54, और इसको मैं कट करूँगा तो 7 8 9 10 11 12, तो दोनों तरफ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं कैलकुलेट किया इसको, माइनस किया, प्लस एंड माइनस क्या बोला था मैंने, माइनस, तो ऑब्वियसली ये सिंपल है। और एक आता है माइनस एंड माइनस, जो मैंने बोलना भूल गया, प्लस होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखना, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस एंड प्लस इज प्लस, प्लस एंड माइनस इज माइनस, एंड माइनस एंड प्लस इज माइनस, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो दोनों तरफ मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ओके। वेरीफाई इस तरह से करना रहता है। अब आप चाहे तो पॉज करो, नहीं समझो तो वीडियो को पीछे ले लो और आराम से समझो, ऐसे घाई वाली बात नहीं है। अब देखते हैं बी वाला, बी में कैसे किया, देखो −21 × ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का है बाय द वे,
ओके मैं इसको पूरा नोट डाउन करता हूँ। -21 इंटू, अब इसको देखो, इसको प्लस एंड माइनस, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस, देखो माइनस एंड प्लस इज माइनस, माइनस एंड माइनस इज प्लस। 6 + 4 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 10। और अभी देखो इसमें ऐसा माइनस ऐसा हो रहा है तो बड़ा नंबर का साइन आ रहा है। देखो इन दोनों में से ये देखो, ये मैंने पूरा इसको मॉडिफाई किया, माइनस एंड माइनस प्लस, तो 6 बड़ा नंबर्स क्या है, कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। ठीक है ये एक हो गया। अभी ऐसे रब करता रुको, अभी लुक एट दिस, ये देखो इतना पूरा, इतना पूरा 21 4 = 84। ठीक है 21 4 = 84 ये हो गया। इसमें अभी बड़ा नंबर का साइन नहीं देखना, ये तो बस प्लस एंड माइनस में देखा जाता है, ये बात याद रखना। ओके 21 4 = 84, माइनस एंड माइनस प्लस। अब मैं यहाँ प्लस साइन डाल रहा हूँ ये वाला, और यहाँ देखो 21 6 1 = 6, 6 2 = 12, 21 6 ऐसे करता हूँ, ओके 126 आ रहा है, और माइनस एंड माइनस क्या आ रहा है, प्लस। तो ठीक है अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कितना होता है, ये भी माइनस है माइनस प्लस होगा, तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आता है, और इसको अगर हम प्लस करेंगे 126 + 84, 6 + 4 = 10, 8 9 10 11 और 2, 210। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दोनों तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स 210। तो इसे भी आप पॉज करके देख लो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो तो बहुत छोटा सा है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो इधर लिखा है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 × a = -1 × a = क्या है, ऑब्वियसली 1 is a - a, ठीक है इतना ही बस, इसको मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद, अभी चाहिए मेन क्वेश्चन 1 है, मेन क्वेश्चन 2 है। देखो प्रोडक्ट मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन विद -1, यानी कि पहले ए में क्या दिया है 22, तो इसको -1 × 22 करोगे तो क्या होगा, 22 1 = 22 और ये माइनस। बी में देखो 37 है ना, 37 -1 × 37 = 37 माइनस, तो ये 0 है, और -1 × 0 = 0, ठीक है बस इतना ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बस आपको -1 लेकर के इन सबको मल्टीप्लाई करना है, देखना है बस, और कुछ नहीं, तो इजी है अगर आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में इंटीजर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें ये भी एक तरह से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, मतलब आपको स्टार्ट करना है -1 × 5 से, जो होता है -5 ऑब्वियसली, आपको पूरा मतलब 5 4 3 2 1 0 लेके लास्ट में ये जो है ना -1 × -1 = 1 वो लिखना है। देखो मैं बताता हूँ, ये पहला लिखना है, लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम, और फिर ये पूरा आपको 4 3 2 1 0, -4 -3 -2 -1 0, और फिर लास्ट में यू हैव टू ऐड, मतलब जो लास्ट में इंक्लूड करना है वो है ये -1 × -1 = 1, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। आज चलो पॉज करके देख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये तो ऑब्वियसली वही है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, तो आई डोंट नो ये लोग क्या करते हैं मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। देखो इधर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो एक मैं एक दो सम्स करता हूं, इधर टोटल मिला के तो एच तक है, तो यहां पर पता नहीं किस खुशी में ये लोग सम्स इंक्लूड वगैरह करते हैं, कुछ नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट सम करता हूँ, 26 इंटू
-48 प्लस -48 इंटू -36, ये पूरा एक है तुम्हारा शेड्यूल। अब ये देखो और इसको देखो, अब 48 इंटू 26, 6 8 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 27 28, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9, 9 10 11 12 13 14, 9 10 11 12, 1 4 2 8, 1 4 2, 1 2 4 8, ओके। और माइनस साइन है तो ये डाल देता हूँ, ग्रेट। अब 48 इंटू 36, 6 8 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24, 25, 26, 27, 28, 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13, 14, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 480। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये ऑब्वियसली उसके आगे पॉजिटिव साइन है बस। अरे मुझे समझ में नहीं आ रही, लोगों ने क्वेश्चन ही क्यों ऐड ऑन किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब क्यों दिए, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ वाई। अरे मतलब देखो इसमें ना आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी, देखो एक एक ऐसा होता है कि आप अपने अपने दिल से जो कर सकते हो वैसे करो, ऐसा मत करो कि मतलब आप लोग ना एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे में करके एकदम सॉल्व करो, बहुत ईजी है। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन आ गया, अब ये प्लस आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस है माइनस प्लस होता है, तो ऑब्वियसली ये प्लस माइनस है प्लस माइनस, और इस तरह से करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सेकंड वाला देखते हैं, मैं दो ही सम करवाता हूँ बिकॉज आई डोंट नो व्हाई दे हैव इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, ये ए है ना, मैं बी लिख देता हूँ। चलो अभी ये देखो, 8 इंटू 53 इंटू -125, 8 इंटू 53 इंटू -125, ये देखो ऐसे, अभी जो भी है मैंने सही लिखा है। अभी आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 53 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 41, 42, 424 इंटू -125, ठीक है। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा, ये सब सम्स क्यों दे रहे हैं पता नहीं, ये इजी तो है, ये मल्टीप्लाई करना है बस, और फिर ये मल्टीप्लाई करो, बाकी क्या करना है। देखो एक तो मैं कहता हूँ इतना सिंपल रखो, अगर आप लोग बहुत एवरेज स्टूडेंट्स हो तो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ वगैरह डाल के मत करो, इस तरह से सिंपलीफाई करके करो। मार्क्स मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो टीचर कार्ड भी दे, लेकिन आप लोग कोशिश करो, क्योंकि क्या होगा कि आप कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करोगे तो आप लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस होंगे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो बाकी के सम्स आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। तो चलिए चाहिए तो इसको पॉज करो, समझने की कोशिश करो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि सी डी ई एफ जी एच कैसे किया जाता है। उसके बाद अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताने की उन लोगों ने कोशिश की है क्वेश्चन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का लिख के रखा है, और बड़ा ही सिंपल है, ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट। मैं इसे रीड आउट करूँगा और हम समझने की कोशिश करेंगे एज ईजीएस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके टेक्स्ट बुक में ही, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे को बार बार टेक्स्ट बुक में देखने की ज़रूरत नहीं, और छोटे छोटे अक्षरों में रहता है, इसके लिए इधर रखा जाता है एक छोटे से टेबल पर।
अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस. अभी फ्रीजिंग में एक चीज़ याद रखना, ठीक है मैं रीड आउट करता हूँ. सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. वॉट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. सो अगर आप देखोगे यहाँ पर फ्रीजिंग की बात हो रही है, फ्रीजिंग हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस में रहता है, ठीक है. जब फ्रीज होता है तो कोई भी टेम्परेचर एकदम नीचे जाता है, बिलो जाता है और नेगेटिव में आता है. तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस था जहाँ पर रूम टेम्परेचर 40 डिग्री में था, ओके 40 डिग्री सेल्सियस. सो ये देखो 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ क्या लिखा है इधर 5 डिग्री एवरी आवर 5 डिग्री का था और ऐसे मिला के, ठीक है 40 डिग्री सेल्सियस मैंने साइड में रखा है, ठीक है. रूम टेम्परेचर टू बी लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अभी बता रहे कि एट द एवरी आवर 5 डिग्री ये करेंगे, मतलब एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. और ऐसे एवरी आवर में कितने आवर्स होते हैं, पर 10 आवर्स. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से आप माइनस करोगे 5 डिग्री सेल्सियस और वो भी 10 आवर्स में, ठीक है. 40 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर था, लोअर करके रखा है, ठीक है. उसको नीचे करने के लिए वो लोग 5 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल कर रहे थे और वो भी एवरी आवर. ऐसे करते करते उन लोग ने 10 आवर्स का प्रोसेस रखा. तो इसमें 5 × 10 कितना होता है 50, ठीक है 40 डिग्री या 50 डिग्री. अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको एकदम बड़े बड़े सिंपल तरीके से करेंगे. हम लोग इसको माइनस करेंगे. अब इसमें बड़ा नंबर क्या है, ऑब्वियसली माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, ओके. और आप ये भी ले सकते हो 40 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, तो प्लस एंड माइनस माइनस 50 माइनस 40 कितना होता है 10 डिग्री सेल्सियस, ओके. और बड़ा नंबर कौन सा है, नेगेटिव में. अब आप समझने की कोशिश करो, इन लोगों ने अभी सपोज एक रूम है, बराबर. मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है. बहुत से लोग अब तक आप कंफ्यूज हुए होंगे. एक रूम है जहाँ पर उन लोग को फ्रीजिंग प्रोसेस करना है, यानी कि ठंडा करना है इस रूम को. अब जितना आप ठंडा करोगे उतना टेम्परेचर गिरता जाएगा और नेगेटिव में होगा. तो उस रूम टेम्परेचर का ऐसा अनुमान लगाया गया था कि वो लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेके जाएंगे, नीचे 40 डिग्री सेल्सियस जितना नीचे जाएंगे, ठीक है. लेकिन होता क्या गया कि उन लोग ने क्या करना शुरू किया, एकदम तुरंत उन लोग ने सीधा 40 डिग्री एकदम हायर डिग्री नहीं लिया. उन लोग ने एवरी आवर धीरे धीरे करके 5 डिग्री का ये किया. और ये प्रोसेस कितने आवर्स का था, 10 आवर्स का था. तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 × 10 = 50, ओके 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर और 10 मतलब 10 घंटे थे 50 डिग्री सेल्सियस. तो माइनस एंड प्लस माइनस 50 माइनस 40 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इतना याद रखो, ओके इतना ही था. आप चाहे तो इसे पॉज करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. पॉज करो आप लोग, क्योंकि मेरे को इस सम के लिए स्पेशली ये बोर्ड की इधर की और इधर की जगह की ज़रूरत है इसके लिए. ठीक है, अभी इधर देखो. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, ओके. एक क्लास टेस्ट कंडक्ट किया गया था किसी स्कूल में, जहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए थे. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. अब देखो यहाँ पर लिखा है 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर, मतलब दिया जाता था एवरी करेक्ट आंसर के लिए. एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता था एंड नेगेटिव 2 मार्क्स वॉज अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है. एंड 0 फॉर द क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. ये बात याद रखना, 5 मार्क्स जो था करेक्ट आंसर्स के लिए दिया जाता था, नेगेटिव 2 मार्क्स काटते थे जो गलत लिखा जाता था, और 0 मार्क्स देते थे जब वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया जाता था. अब यहाँ पर 3 सिचुएशन दिए. पहला वाला मैं यहाँ पर देखते हैं. मोहन गेट्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, ओके 4 करेक्ट आंसर्स. अभी मैं एक मिनट टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ, वेट अ सेकेंड. एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं हुई मेरी तरफ से, तो मैं
देखो मैंने आधा लिखा था, आई एम सॉरी। अब टेक्स्ट बुक देखो, मोहन गेट्स फोर करेक्ट आंसर्स। ओके, फोर करेक्ट आंसर्स का मतलब है फोर इंटू करेक्ट आंसर लिखा है, फोर करेक्ट आंसर्स यानी कि 5 मार्क्स मिलते थे एक करेक्ट आंसर के, तो 5 फोर कितना हो गया स्टूडेंट्स 20। और उसने 6 गलत आंसर्स लिखे, इनकरेक्ट के लिए कितना है -2। सो मैं क्या करूँगा, -2 और ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 2 -12। अब देखो वो चार करेक्ट आंसर्स लिखता है जिससे उसे 5 20 मार्क्स मिलते हैं, और वही उसे -2 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है जस्ट बिकॉज उसने 6 इनकरेक्ट आंसर्स लिखे, तो 6 2 -12। अब इसको कैसे करेंगे, 20 + (-12) कितना मिला मोहन को मार्क्स, आप देख सकते हो प्लस है माइनस माइनस, तो 8, तो आंसर है 8 मार्क्स। ठीक है, 8 मार्क्स। अभी उधर देखते हैं, अब सेकेंड वाले इसमें सिचुएशन में क्या दिया है वो देखते हैं, कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। कंफर्म करता हूँ, 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो अगर आप देखो तो 5 करेक्ट आंसर्स यानी कि 5 करेक्ट आंसर है, 5 5 = 25। ओके, एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 2 = 10, -10। ठीक है, 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट, तो 5 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स था पर, ये 5 5 = 25 और ये 5 2 = 10, -10। तो आप क्या करेंगे, 25 प्लस, और ब्रैकेट में मैं -10 डाल देता हूँ, तो ये कितना है 15। ठीक है, प्लस है माइनस माइनस, 25 - 10 = 15। ये इजी रहा, इसको जो रेशमा करके उनको 15 मार्क्स मिले। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स एंड आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स। अच्छा, इसमें थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, अब याद रखो, वो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। देखो देखो, अटेम्प्ट नहीं, उसको टोटल 7 क्वेश्चंस मिले, कितना मिले 7 क्वेश्चंस मिले, ये बात याद रखना, 7 क्वेश्चंस। अब इसमें से देखो, 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर्स होते हैं, एंड 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट, व्हाट इज द स्कोर। अभी 7 क्वेश्चंस हैं, 5 6 7, तो आप देख सकते हो करेक्ट में कितना है, 5 मार्क्स उसको मिल रहा है, तो 5 2 = 10, और इन 5 इनकरेक्ट यानी 5 × -2। ठीक है, कितना होता है 5 2 = 10, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव। अब देखो, ये प्लस ब्रैकेट में -10 कितना हो गया 0, इसको कितना मिलता है 0 मार्क्स। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फिलहाल इतना ही, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आप पॉज करके देख लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, आपको वहाँ पर भी मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 per bag, ₹8 एक बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि वाइट सीमेंट का जो एक एक बैग होगा वो ₹8 का होगा, एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5 per bag ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी कि वाइट सीमेंट में ऐसा कहा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि वाइट सीमेंट जब वो लोग ₹8 per bag के हिसाब से बेच रहे थे तभी प्रॉफिट हुआ उनका, और ग्रे सीमेंट जब वो लोग बेच रहे थे तो ₹5 per bag, तब उनको लॉस फेस करना पड़ा। अब हमें 2 कंडीशन दिए गए, उस कंडीशन के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं इसे हटा देता हूँ। कंपनी सेल्स 3,000 bags ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट में ठीक है कितना है 3,000 bags मल्टीप्लाई, देखो वाइट सीमेंट का कितना है ₹8 per bag ना, ₹24,000,
ओके वाइट सीमेंट का, और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब ग्रे सीमेंट कितना है, 5000 बैग्स, ओके। और उन लोग कितने में, 5 रुपये में बेच रहे थे एज पर द क्वेश्चन। पर आप देख सकते हो 25,000 क्योंकि लॉस में था, बराबर लॉस में जा रहे ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट प्रॉफिट में जा रहा है। तो 25,000 और ग्रेटर साइन डालो 24,000, यानी कि इन दोनों में से अगर हम माइनस भी करें, ओके, तो कितना का लॉस हो रहा है, 1,000 का लॉस हो रहा है। ये इधर बताया गया, बी में देखो बी का डिफरेंट है, ये तो आप समझ ही गए होंगे लॉस है, तो आपको बस माइनस करना है दोनों को और आपको देखना है कि लॉस कितना है 1000 रुपीस। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, ओके सॉरी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, यानी कि यहाँ पर पूछ हमें फाइंड आउट करना है। इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट और लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड फॉर 6400 बैग्स। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वाइट सीमेंट का हमें फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली, तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज इधर दिया नहीं है, ओके ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट सीमेंट को मैं एक्स कंसिडर करता हूँ, ओके ऐसा लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स, ठीक है। अब हमें देखना है कि इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट और लॉस, तो अगर आप देखोगे तो एक्स जिससे वाइट सीमेंट की बात हो रही है, हमें पता नहीं कितने बैग्स हैं, लेकिन मैं हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, 8 रुपीज़ पर बैग, तो मैं यहाँ पर 8x लिख देता हूँ, 8 × x 8x, ठीक है। अब वो लोगों ने बोला 6400 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, कितना है, 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, यानी कि 5 रुपये पर बैग, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं उसको हम आमने सामने लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और आपको तो पता है अब ये आपको x इधर लाना है, 32400 डिवाइडेड बाय 8, एट फोर ज़ा 32, 4 आ रहा है, मैं डिवाइड करके फिर उसके बाद 8 4 ज़ा 32, फिर या 45 × 8 कितना होता है, 8 5 ज़ा 40 8 32 नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0 ज़ा 0 डाल दूँगा, अच्छा इधर 4 आएगा, 8 5 ज़ा 40 और 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 4050, ठीक है। तो हमें पता चला कि वाइट सीमेंट जो है, जो वाइट सीमेंट बैग्स है वो कितने हैं, 4050 बैग्स, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके देख लो, और अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को पीछे लेकर के भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखो आप, इजी है, बहुत इजी है, देखो 3 1 3 9 9 3 27, ओके मैं सब नॉर्मल टेबल लिखो, 5 7 5 35, रुको पहले नॉर्मल ये, 7 8 56, 12 किस में जाता है, 132 में, तो डिवाइड ही करके देखता हूँ, 12 1 12, ओके एंड 11 12, ओके। अब हमने नॉर्मली टेबल लिखा, अभी और करना है एक और स्टेप, उसके बाद आप लोगों का वीडियो भी, ये जो प्रैक्टिस सेट है मतलब एक्सरसाइज है वो ख़त्म। अब देखो यहाँ पर 9 3 27, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, लेकिन आपको क्या करना है, अभी माइनस है माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस 9 डालो, देखो 9 3 27 माइनस है माइनस प्लस, ठीक है, प्लस इनविजिबल होता है, 5 7 35, अभी क्या माइनस है, तो मैं एक जगह माइनस डालूँगा, तो माइनस एंड प्लस कितना होगा, माइनस देखो
प्लस एंड माइनस माइनस 7 5 35। अभी 7 8 56 और माइनस साइन डालो 11 12 132, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो मैं यहाँ पर माइनस साइन डाल, माइनस है माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, बहुत ही ईजी है। आप पॉज करो, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज पूरा वीडियो मतलब मैंने कवर अप किया है। आई होप आप लोग समझ गए हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपने क्लासमेट्स को शेयर करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।